प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी कल के वीडियो में या अपनी पुराने वीडियोस में स्मृति चित्रणों के बारे में काफ़ी कुछ देखा है। उसमें से जो हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया हुआ था या लास्ट वीडियो में बनाया हुआ था, तो वो आपका सुराही था। ठीक है, तो अभी हम स्मृति चित्रण में हम लोगों ने सुराही है, बुक है, ग्लास है, फिर यहाँ पे आपका लोटा है, बॉटल है या थर्मस जिसको बोल सकते हैं वो है, जग है, कप प्लेट है, काफ़ी सारे चित्रण देखे। तो उसी क्रम में मैं अभी स्मृति चित्रण में आपको एक दो चित्र करीब और बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग बराबर जो है फूलों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा तरीका मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से थोड़ा बनाने वाले हैं हम लोग। तो सेम जिस तरीके से हम लोगों ने ग्लास तो नहीं कह सकते प्रॉपर, लेकिन हाँ थोड़ा सा थर्मस वगैरह में जो तरीका इस्तेमाल किया था तो वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोग को शुरुआत कैसे करनी है या उसका स्टार्टअप कैसे लेना है तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपने ये बनाई है और केतली थोड़ा टफ भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक रचना है, जिसको हम लोग थोड़ा एक एक करके धीमे धीमे करके बनाएंगे। तो हमें जो है थोड़ा सा इजी रहेगा हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दो लाइनें ले ली हैं। अब ये दो लाइनें क्या है कि जो नीचे का हिस्सा है, जो जहाँ जिसमें केतली में आपका चाय भरी रहती है, बेसिकली वो चाय के ही सर्विंग के पर्पज़ के काम आता है। ठीक है, तो अभी हम जो है इसमें थोड़ा सा इसको मिलाना स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसे ही नीचे वाले में भी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मिलाया। अभी हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो ऊपर के ढक्कन का पोर्शन रहता है वो बनाने का ट्राई करते हैं। दोनों तरफ से ही हमने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको भी मिलाएंगे हम। तो जैसे ये मिला है ऐसे ये भी मिलाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें ढक्कन या कैप देना है इसको। तो मान लीजिए इसमें भी हम जो है ये इस तरीके से, अब इसके ऊपर का भी पोर्शन बनाना है। मान लीजिए उसमें हम भी हम थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं। मान लीजिए हमने डिजाइन दिया है, ये डिजाइन दिया हमने। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी हम डार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बना। अभी क्या है कि हमको क्या बनाना है, यहाँ पे केतली का मुंह या डिजाइन बनाना है। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा मान लीजिए लगभग लगभग इसके बराबर ले गए और एक ये यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन बना दी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
थोड़ा सा जो मिसमैच है जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि केतली का जो डिज़ाइन है मोल, वो हम इस तरीके से रख सकते हैं। और यहाँ पे भी मान लीजिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्रिक लगना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिज़ाइन एक छोटी सी दे देते हैं, हल्की सी, तो ये क्या रहा, ये आपका केतली का मूड़ा। अब पकड़ने के लिए भी हमें बेल्ट बनानी पड़ेगी इसकी, तो अब हम लोग बेल्ट भी बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दिखा सकते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे भी जॉइंट दिखाया था, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी जॉइंट दिखाते हैं। जब भी हम कोई रचना बना रहे होते तो हमें बहुत सारी चीज़ें ये भी देखनी होती हैं कि थोड़ा सा हम लोग डिज़ाइन तो हमारा अच्छा आई आए, प्लस उसके अलावा हमारा जो है जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो भी बना रहे। तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा लगे या आपको लगे कि डबल मार्किंग हो गई है या फिर आपको पेंसिल के निशान ज़्यादा छूट गए हैं, तो वहाँ वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा केतली हुआ, ठीक है। तो अब हम इसको हल्का सा शेड भी दे सकते हैं।
ठीक है। तो ये यहाँ पे आप जो है इस तरीके से तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये पूरा शेड वगैरह कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है, आपको एक डिज़ाइन में जो भी प्लस माइनस चेंजेस लगे वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा केतली या कैटल रेडी हो गया। तो इसकी भी आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें कुछ और भी केतली और भी तरीके की हो सकती हैं, बड़ी या छोटी, वो आपको जो भी सही लगे कि ये डिज़ाइन बनाने के बाद कुछ और भी बनाना है, या मान लीजिए किसी दूसरे तरह की केतली बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। तो स्मृति चित्रण में हालांकि काफ़ी चित्र हो गए, और लास्ट वीडियो में भी हमने ये बोला था कि शायद हम लोग आम वगैरह बनाने वाले हैं, लेकिन आम हम कलर वाली चीज़ें अभी थोड़ा और बाद में बताने वाले हैं, क्योंकि शायद एक या दो अभी चित्र और होंगे इसमें जो कि आपके सिलेबस में भी हैं, और प्लस आपका आपके प्रैक्टिस के लिए स्मृति चित्रों में, क्योंकि फाइनली यदि मैं फूल या आपको फल भी और भी चीज़ें बताता हूँ तो इसमें क्या रहेगा कि आपको बेसिकली आपका हाथ तो सेट होना ही चाहिए, और कलर वगैरह के बारे में अभी धीरे धीरे बताता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग अभी केतली का भी प्रैक्टिस कीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद से कल हम फल के बारे में देखने वाले हैं, या मोस्ट प्रोबेबली गुड़हल होगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ पे भी कोई भी और दिक्कत आए या कोई और दूसरा डिज़ाइन यदि आप लोग प्रेफर करने वाले हैं तो वो जो है बनाने का ट्राई कीजिए, और अपने फोटो बनाने के बाद या इमेजेस बनाने के बाद उनको सेंड करिए। ओके, थैंक यू।